गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया हो? मजे में हो? तो आज हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.4। इफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव दे आर कॉन्ग्रुएंट। हम देखो, एक तो यहाँ पे फोकस करो, सिमिलर भी है और हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करना है। तो देखो, ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल हमारा ABC। This is the one of the triangle ABC and this is the another triangle PQR and they are given, both are similar. तो हमारा प्रूव क्या होगा? अरे गिवन क्या होगा? गिवन क्या होगा? ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. ये गिवन है. Then and area also equal. Area of ABC is equal to area of PQR. To prove, मुझे क्या प्रूव करना है? Triangle ABC is congruent to triangle PQR. मुझे congruent प्रूव करना है. अब देखिए क्या होगा, जो भी गिवन है उसकी बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. हो गया ये? नाउ वी नो दैट AB अपन PQ इज इक्वल टू BC अपन QR इज इक्वल टू AC अपन PR एज पर द सिमिलरिटी. अब एरिया दोनों का इक्वल है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, बोथ आर इक्वल. मैं उनका रेशियो ले लूँ, अगर मैंने अगर उनका रेशियो ले लिया तो आंसर क्या आएगा? 1. दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 1. नाउ व्हाट कैन वी डू? वी नो दैट इफ ट्राइंगल आर सिमिलर थैन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द थियरम 6.6. द टू सिमिलर ट्राइंगल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. So BC upon QR whole square and AC upon PR is whole square. हो गया ये? Now ये मुझे कितना है? 1 है, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ. So AB upon PQ whole square BC upon QR whole square and AC upon PR is whole square. तो अगर मैं इस सबका रूट ले लूँ तो 1 इज इक्वल टू AB अपन PQ BC अपन QR एंड AC अपन PR. ये हो गया. सो अकॉर्डिंग टू दिस SSS थ्योरम, ये क्या हो गया? सो AB इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, BC इक्वल टू QR हो जाएगा एंड AC इक्वल टू PR हो जाएगा, क्योंकि सब रेशियो 1 है. अगर मैं आपको शो करूँ कि AB अपन PQ इज इक्वल टू 1, सो दैट AB इज इक्वल टू PQ लिख सकते हैं ना. सो दैट वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज congruent टू ट्रायंगल PQR बाय SSS थ्योरम. राइट, बहुत इजी है. तो नेक्स्ट हमारा सम क्वेश्चन नंबर 5. TEF आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ABBCCA. राइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF टू ABC. हम देखो, विच आर द मिड पॉइंट्स? DEF ये मिड पॉइंट है किसके? ABC के.
AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F। अब मैं इसको जॉइंट करूंगा तो मुझे एक ट्रायंगल मिला। अब क्या है देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, ये DEF और ABC का रेशियो कितना होगा, फाइंड द। अच्छा अरे रे, ये सम तो हो गया है, ये सम तो हो गया है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो हमें ये फोकस करना है मीडियन पे। तो पहले हम दो सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रायंगल ABC, वन ऑफ इज ABC, अनदर इज PQR एंड दिस बोथ ट्रायंगल आर गिवन सिमिलर। नाउ क्या प्रूव करना है, एरियाज ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो मुझे यहाँ पे मीडियन भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सपोज ये मीडियन मीन्स मिड पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, दिस इज मीडियन। तो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, एक तो टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड AD एंड PMR मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली। अब टू प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, द रेशियो ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन। ये स्क्वायर है, ये हमें लाना है, ये हमें लाना है। अब देखो तो हमें क्या क्या सिमिलरिटी में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो प्रूफ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ये सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का होगा ना रेशियो, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, BC अपॉन QR होल स्क्वायर एंड AC अपॉन PR होल स्क्वायर। तो अब ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर वन। अब हमें ये देखो, कुछ भी करके ये और ये वाला ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। और ये भी लिख लेते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि अगर BC अपॉन QR है तो BC इक्वल टू क्या होगा, 2BD, और इसी तरह ये हो जाएगा 2QM। सो हम BD अपन QM इज इक्वल टू BC और QM की जगह हम इसका रेशियो भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो अब इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ABD एंड PQM, ये ट्रायंगल में पर्टिकुलर में जाएंगे। देखो तो एक तो क्या है, ये देखो
ए बी अपन पी क्यू सिमिलर है तो लिख सकते हैं, और बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू, अरे रे 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 रे, हाँ ये लिख सकते हैं ना इसकी जगह कि बी डी अपन क्यू एम एन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो ये तो एज पर द गिवन कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू बी डी अपन क्यू, हम यहाँ पूरा भी लिख सकते हैं। देखो कैसे कि ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू टू बी डी अपन टू क्यू एम इज इक्वल टू बी डी अपन क्यू एम। लो चलो अब तो क्लियर हो गया, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया कि ये जो ट्राइंगल है ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस, हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो कि एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन, हाँ ये तो प्रूव हो गया ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था ना, ए बी अपन पी क्यू इजिकल टू क्या हो गया, ये ए बी अपन पी क्यू इजिकल टू ए डी अपन पी एम। अब देखो क्या लाना है मुझे, ये वाला लाना है, तो ये यहाँ पे बैठ जाएगा, अब ये यहाँ पे बैठ जाएगा, तो सो दैट फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू व्हाट वी कैन राइट, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड इट, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर to have the area of the equilateral triangle described on its diagonal। देखो समझो, अगर ये मेरे पास एक स्क्वायर है, समझो ये एक मेरे पास स्क्वायर है, राइट, दिस इज स्क्वायर, नाम मैं ले लेता हूँ इसका ए बी सी और डी। अब देखो क्या है कि ये अगर स्क्वायर है तो प्रूव द एरिया ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड, तो सपोज मैंने ये साइड्स को लेके ए बी को लेके एक इक्वल ट्राइंगल मैंने बनाया है जिसका नाम है पी ए बी, तो ऑल दिस साइड्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द ए बी, ए बी क्या है वो स्क्वायर का कोई साइड है, समझो कि अगर ये पाँच है तो ये पाँच 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 लेके मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, राइट, समझ गया, तो जो ए बी का वैल्यू है उसी की साइड को लेके मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है। अब उसका एरिया की बात हो रही है, जो इसका एरिया है वो क्या है वो बाद में देखेंगे। अब क्या है, द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन इज डायगनल। अब देखो ये डायगनल लेके मुझे एक एरिया एक ट्राइंगल बनाना है, ये जो डायगनल है ए सी, ए सी लेके और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है मुझे, तो समझो कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है क्यू ए सी, तो ये जो लेंथ है वो मैंने ये ए सी रखी है, तो अब ये दोनों के बीच का रिलेशन मुझे लाना है, तो दिस इज हाफ देन दिस, पी ए बी इज हाफ ऑफ दिस, ये हमें प्रूव करना है। ये समझ में तो आएगा ना कंसेप्ट क्या है। अब देखो सपोज ये साइड को मैं ले रहा हूँ ए, ये साइड को भी मैं ले रहा हूँ ए, क्योंकि स्क्वायर की सब साइड ए ही होती है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस मुझे ए सी मिल सकेगा,
वो तो हम बाद में ढूंढेंगे, लेकिन अब लिखना क्या है वो लिख लेते हैं। चलो पहले तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ट्रायंगल पी ए बी is a and is an equilateral triangle, is an equilateral triangle. Also triangle QAC is an equilateral triangle. ये दोनों ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया ऐसा। अब टू प्रूव मुझे क्या लाना है, सो हाँ इसका एरिया ना, हाँ एरिया ऑफ पी ए बी, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ पी ए बी इज हाफ द एरिया ऑफ क्यू ए सी, इससे ये हाफ है, ये हमें लाना है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं कि लेट साइड ए बी इज इक्वल टू ए यूनिट, इस ए यूनिट है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू राइट एंगल। अब मुझे ए सी स्क्वायर क्या मिलेगा वो हम पहले ढूंढ लेते हैं। ये मिल जाएगा रूट टू ए। अब देखो ये एक साइड मुझे लेना है पी ए बी का, तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, क्या था फॉर्मूला, रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर है। सो रूट थ्री बाई फोर ये हो गया साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। चलो अब एरिया ऑफ क्या है हमारा, क्यू ए सी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर। सो रूट थ्री बाई फोर साइड कितना है उसका, ए सी है ना, सो रूट थ्री बाई फोर इंटू रूट टू ए स्क्वायर। अब क्या होगा, एरिया ऑफ क्यू ए सी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर इंटू टू ए स्क्वायर, सो दैट टू इंटू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, सो दैट एरिया ऑफ क्यू ए सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये किसका एरिया लिख सकते हैं हम, ये वाला है ना पी ए बी, ये हम लिख सकते हैं पी ए बी एरिया ऑफ पी ए बी, राइट। तो अगर मैं इसको इक्वल टू किया तो क्या होगा, इज वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्यू ए सी, ये हो गया हमारा आंसर, हैंस प्रूव इट, हैंस प्रूव इट।